कैसे कैसे लोगों को आपने सुरक्षा दे रखी है, कोई भी बाबा है चार पुलिस वाला लेके टहल रहा है, कोई आपके फ्रंटल संगठनों से आरएसएस के फ्रंटल संगठनों से जुड़ा है, 10 गाड़ी आगे चल रही है, 5 गाड़ी पीछे चल रही है, कहां से इनको सुरक्षा मिल रही है, किस आधार पे आपने सुरक्षा दे रखा है, क्या आपने समीक्षा की है? श्री संजय सिंह धन्यवाद। मान्यवर सुरक्षा को लेके कोई कटौती कोई कमी सरकार करना चाहती है, कोई योजना बनाना चाहती है बनाए, उसमें हम लोग कोई वीआईपी सुरक्षा के समर्थक नहीं है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अभी खुद सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा चिंता जताई गई प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेके, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जितनी भी प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में आपको खामियां नजर आती हों सुरक्षा और बढ़ा लीजिए। साथ ही साथ जो दूसरे राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं उनकी सुरक्षा की हालत क्या है आज की तारीख में, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक एक दो नहीं मान्यवर 5 बार उनके ऊपर हमले हुए, 5 बार, और आज तक किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, 5 बार हमले हुए। और यहां बड़ी बड़ी बातें बताई जा रही हैं, आतंकवाद समर्थक नक्सलवाद समर्थक, आप सवाल उठाएंगे, जो लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताते हैं, देशभक्त बताते हैं, जो लोग गोडसे को देशभक्त बताते हैं वो दूसरे की विचारधारा पे सवाल उठा रहे हैं। मानवर सोचना पड़ेगा किस तरफ बढ़ रहे हैं आप, कैसे कैसे लोगों को आपने सुरक्षा दे रखी है, कोई भी बाबा है चार पुलिस वाला लेके टहल रहा है, कोई आपके फ्रंटल संगठनों से आरएसएस के फ्रंटल संगठनों से जुड़ा है, 10 गाड़ी आगे चल रही है, 5 गाड़ी पीछे चल रही है, कहां से इनको सुरक्षा मिल रही है, किस आधार पे आपने सुरक्षा दे रखा है, क्या आपने समीक्षा की है? तो इसलिए माननीय दोहरा मापदंड अपनाना बंद कीजिए, आप दोहरा मापदंड बताना बंद कीजिए, और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आप लगातार हमले करा रहे हैं, आपकी साजिश है, आप साजिश के तहत करते हैं ये सब, ये साजिश करना बंद कीजिए, आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है, आप लोग गोडसे के समर्थक हैं, ये पता चल चुका है।